ये साहब ये सूत्र है को सीबीआई ईडी वाले बीजेपी के दफ्तर में बैठे हैं या बीजेपी वाले सीबीआई ईडी के दफ्तर में बैठे हुए हैं। बीते वर्ष गुड़गांव में एक दूसरे व्यक्ति के नाम के मॉल को तेजस्वी जी का मॉल कह करके जिसमें किरकिरी हुई सीबीआई की रेट के बाद, अगर वो 8,000 करोड़ 17 वाला 1,000 करोड़ हाल वाला गुड़गांव मॉल क्या आसमान लील गई, जमीन खा गई। सिर्फ आपका काम है कि किसी को बदनाम करने की साजिश रखना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। क्या बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनके पूरे परिवार के पास यानी कि लालू परिवार के पास 600 करोड़ रुपए की संपत्ति है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 600 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया है ईडी की तरफ से, जो जानकारी दी गई है ट्विटर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये भी बताया गया कि पिछले दिनों जो छापेमारी चली थी ईडी के द्वारा उसमें लगभग 1.5 किलो सोना बरामद हुआ है, इसके अलावा कई फॉरेन करेंसी बरामद हुए हैं और 1 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुआ है। रेलवे में लैंड फॉर जॉब जो स्कैम था जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री हुआ करते थे, उस दौरान अवैध तरीके से रुपया लेकर लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई, यह आरोप लगा। क्या 600 करोड़ रुपए का यह घोटाला है जिसकी जांच अब तेजस्वी यादव जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं उन तक पहुंची है? घंटों तक ईडी ने जांच की है, पूछताछ की है, कल लगभग 17 घंटों तक पूछताछ हुई है। लेकिन 600 करोड़ रुपए का घोटाला क्या सच है? मनोज झा आरजेडी के सांसद क्या कुछ बातें रख रहे हैं, क्या कुछ बयान दे रहे हैं, जरा सुनिए। आपके समक्ष सीधे तौर पर प्रस्तुत हो रहा हूं। अब सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही है कि 500 करोड़ 600 करोड़ 700 करोड़ आया। ये साहब ये सूत्र है कौन? सीबीआई ईडी वाले बीजेपी के दफ्तर में बैठे हैं या बीजेपी वाले सीबीआई ईडी के दफ्तर में बैठे हुए हैं? सनद रहे, आपको शायद याद नहीं होगा कि 17 में कहा गया था कि 8000 करोड़ का ट्रांजेक्शन हमारी सांसद मिश्रा जी के घर मिला साहब, उसके बाद 1000 करोड़ का एक मॉल मिला। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि बीते वर्ष गुड़गांव में एक दूसरे व्यक्ति के नाम के मॉल को तेजस्वी जी का मॉल कह करके जिसमें किरकिरी हुई सीबीआई की रेट के बाद। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जो उत्पाती सूत्र है ना, इन्हें पहले अपने कागजात दुरुस्त कर लेने चाहिए। अगर वो 8000 करोड़ 17 वाला 1000 करोड़ हाल वाला गुड़गांव मॉल क्या आसमान लील गई, जमीन खा गई, या आपने बीजेपी के जन्म दिए हुए इन सूत्रों को, मैं समझता हूं मीडिया के माध्यम से ईडी सीबीआई के सोर्सेस के हवाले से आप सिर्फ आपका काम है खंडित करना, सिर्फ आपका काम है कि किसी को बदनाम करने की साजिश रखना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देश देख रहा है और बिहार का बच्चा देख रहा है, आपको इतने बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे जिसका आपको अंदाजा नहीं। तो पहले कई सारे ऐसे मॉल का भी खुलासा हुआ है जो कि तेजस्वी यादव के नाम से था, 800 करोड़ रुपए की बातें हुई, 1000 करोड़ रुपए की बातें हुई, वो रुपए कहाँ गए? क्या आकाश निकल गया, धरती निकल गई, कहाँ गए? ये जवाब जो है वो मांगा जा रहा है मनोज झा की ओर से। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से भी ट्वीट करके इस बात की पुख्ता जानकारी दी गई है कि जो कुछ बरामद किया गया है, कई तस्वीरें भी निकल के आई हैं जो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मनोज झा ने क्या जवाब दिया है 600 करोड़ रुपए के आरोप पर? क्या ये जो लैंड फॉर जॉब का घोटाला है, लैंड फॉर जॉब मामले का जो उजागर हुआ है, इस स्कैम का जब उद्भेदन होने लगा है, बातें सामने निकल के आने लगी है तरह तरह की, खास करके जब ईडी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है, तो उस पर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने क्या कहा है? उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समन भी जारी हुआ है, लालू प्रसाद यादव को भी बुलाहट हुआ है। अब ऐसे में लालू यादव राबड़ी देवी से पहले भी सीबीआई ने पूछताछ की है, लेकिन अब आगे और पूछताछ होनी है। लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तमाम जितनी उनकी बिटियां हैं उन सभी से पूछताछ हुई है। लेकिन 600 करोड़ रुपए का घोटाला, लैंड फॉर जॉब मामले का एक जो घोटाला है, क्या वो सच है? मनोज झा ने क्या कहा है, क्या बताया है, क्या हकीकत पेश करने की कोशिश की है? आपने सुना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।